नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का छठा दिन आज बेहद महत्वपूर्ण है और वास्तव में निर्णायक भी है, क्योंकि रूस की एक बड़ी सेना क्यू की तरफ आगे बढ़ रही है और सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीरें मिल रही हैं उसके मुताबिक अब क्यू को पूरी तरह से न सिर्फ रूस के सेना घेरेगी बल्कि क्यू के अंदर घुसकर हर एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। ये स्थिति पिछले 24 घंटे के पहले से जो शुरू हुई है उसकी परिणति या उसका अंत आप कह सकते हैं 48 घंटों के दौरान हो सकती है। इसलिए रूस की तरफ से बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिस एडवाइजरी को भारतीय दूतावास जो यूक्रेन में स्थित है वहां के सभी कर्मचारियों की तरफ से और दूतावास के प्रमुख की तरफ से ये संदेश भारतीय छात्रों को दे दिया गया है कि वो आज किसी भी कीमत पर 24 घंटे के अंदर क्यू को छोड़ें। क्यू को छोड़ करके वो कहां जाएं, एक बड़ा सवाल है और इसी कारण से एक उहापोह की स्थिति बन रही है। और इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सरकार जोर शोर से प्रयास कर रही है, लेकिन 18,000 लोगों का इवैक्यूएशन, उन्हें निकालना एक बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को स्वीकार कर लेने के बावजूद और ऑपरेशन गंगा के तहत एक सघन और बड़ी कार्रवाई इवैक्यूएशन की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ छात्रों में जो यूक्रेन में रह रहे हैं वहां के विभिन्न शहरों में, वहां से सोशल मीडिया के जरिए वो अपना जो संदेश भेज रहे हैं वो देश के लोगों के लिए चिंता की बात है, उनको चिंता में डालने वाली खबर है और कुछ मायूसी भी और कुछ दुखद भी, क्योंकि कुछ छात्रों ने रोते हुए अपनी व्यथा को व्यक्त करने की कवायद की है और इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है। और इसी के तहत भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा मिशन को और तेज करने का फैसला किया है। एक बड़ी खबर और वो ये है कि अब भारतीय वायुसेना के विमान भी इवैक्यूएशन अर्थात नागरिकों और छात्रों को वहां से लाने के अभियान में शामिल होंगे। और जानकारी के मुताबिक C-17 जो सबसे बड़ा विमान है वो अब जाएगा यूक्रेन से लगे विभिन्न देशों में, जहां भी वो छात्र या भारत के नागरिक पहुंच रहे हैं और शेल्टर्स होम में या खुले आसमान के नीचे वो शरण लिए हुए हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या 24 घंटे में 18,000 लोगों को भारत में लाना संभव हो पाएगा, और अगर नहीं होगा तो वैकल्पिक परिस्थितियां या वैकल्पिक तरीके और क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा विकल्प जिस पर विचार किया जाना चाहिए वो ये कि जिस एडवाइजरी को भारतीय दूतावास और क्यू में स्थित दूतावास की तरफ से जारी किया गया है, ऐसे में एवी स्टार न्यूज के माध्यम से जिस तक ये खबर पहुंच रही है वो संपर्क करने वाले नागरिकों और छात्रों को यही संदेश दें कि वो किसी भी कीमत पर क्यू को छोड़ें और आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है, परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हैं। रूस के आक्रमण लगातार हो रहे हैं प्रमुख शहरों पर और इसी के तहत हर हाल में भारतीयों को 24 घंटे के अंदर क्यू सहित तमाम यूक्रेन के शहरों को छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके लिए उन्हें किस तरह से सहायता देकर के यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाया जाए ताकि वो वहां से पार करके पोलैंड और रोमानिया यहां पर पहुंच सकें, मालदोवा भी पहुंचने की कोशिश करें, ताकि वहां पहुंचने के बाद वो छात्र या नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार उस शेल्टर होम तक पहुंचे जहां भारतीय मंत्री, 4 मंत्री इस समय गए हुए हैं और सभी वहां पर तैनात हैं। पोलैंड में बाकायदा एक सबसे बड़ा शेल्टर बनाया गया है और उस शेल्टर होम में ज्यादातर भारतीय हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीयों के साथ कुछ बदसलूकी छात्रों के साथ की गई और उस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इस विषम परिस्थिति में हर एक नागरिक और छात्र को बहुत ज्यादा संयत रहना होगा,
क्योंकि मुश्किल घड़ी है, मुश्किल परिस्थितियां हैं, और वहां से सकुशल वापसी कराना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें धैर्य बना करके रखना है, और साथ ही साथ जैसे ही जिस तरह से सुविधा मिले वहां से फ्लाइट लेकर के भारत आए, इस प्रयास में हर एक नागरिक को रहना है, और इसके लिए किसी भी तरह के आपाधापी और उहापोह की स्थिति में नहीं जाना होगा, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना का C-17 विमान बाकायदा इस इवैक्यूएशन मिशन में शामिल हो जाएगा, और आज इसकी पुष्टि भी कर दी गई है, और शायद प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति कोविंद के साथ मुलाकात करने के बाद जब ये खबर आई तो स्पष्ट हो गया कि भारत का गंगा मिशन किस मोड में अब आगे बढ़ेगा, और आगे के आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन अर्थात 2 से 3 दिन में एक के बाद एक फ्लाइट्स वहां से आएंगे भारत के लिए, और लोगों की सकुशल वापसी होगी। लेकिन 24 घंटे की मोहलत दी जरूर गई है, लेकिन वहां से सभी भारतीयों को सुरक्षित ले आ पाना और बिना उन्हें किसी परेशानी का सामना किए ऐसा संभव होगा, इसमें थोड़ा संदेह है, लेकिन प्रयासों की दरकार है, हमें प्रयास करना ही होगा, क्योंकि पूरा यूक्रेन और यूरोप के कुछ सीमावर्ती देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कहीं भी हमला हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, क्योंकि एयर स्ट्राइक साथ ही साथ थल सेना का आक्रमण एक साथ यूनिफाइड कमांड के तहत रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, और अब कीव की तरफ जितने भारे भरकम सेना रूस की आगे बढ़ रही है उससे साफ है कि आने वाले 24 से 48 घंटे कीव के लिए बेहद अहम और बेहद मुश्किलों भरे हो सकते हैं। ऐसे में कीव सहित खारको, जहां पर भारी तबाही मचाई हुई है रूस की सेना ने, वहां से भी छात्रों और नागरिकों का निकालना एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का सामना हमारे देश के नागरिक और छात्र कर रहे हैं। वो मुश्किलों में हैं, कुछ के सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कुछ भावुक अपील भी छात्रों और नागरिकों के तरफ से की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके मुश्किलों को ढूंढ पाएं, उसका समाधान, इसका प्रयास करें। सरकार को भी चाहिए कि इस सघन ऑपरेशन को और ज़्यादा चुनौती के तहत उसको स्वीकार करे, और एक के बाद एक फ्लाइट्स का इंतज़ाम करे, और साथ ही साथ उन देशों से जहां पर ये पहुंच रहे हैं वहां से भी, और इसके अतिरिक्त भी विमान लेने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों और नागरिकों को यहां भारत स्वदेश वापसी के प्रयास कराने में बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि भारत में रह रहे लोगों को अपने परिजनों बच्चों को लेकर के विशेष चिंता है, और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन एयरफोर्स को भी सक्रिय कर दिया गया है, और C-17 सहित कई ऐसे विमान वहां के लिए उड़ान भरेंगे, और वहां पे मुश्किलों का सामना कर रहे नागरिकों और छात्रों को स्वदेश ले आएंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे मिशन गंगा को बड़ी सफलता मिले, ताकि हर एक भारतीय नागरिक सकुशल स्वदेश वापसी कर सके। हम कामना तो ये भी करते हैं कि यूक्रेन का हर शहर जो तबाही का मंजर देख रहा है उसको भी अपनी समस्या और मुश्किलों से निजात मिले, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर और वो ये है कि कीव को पूरी तरीके से घेर लिया गया है, और किसी भी समय एक मैसिव और बड़ा अटैक कीव पर किया जा सकता है, और उसके लिए कीव के लोग अपने आप को तैयार हुआ दिखा तो जरूर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए वो संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीव का सुरक्षित बच पाना अब मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स कमांड सिस्टम और उसके पूरे यूनिट को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, और जमीनी स्तर पर बड़े कार्रवाई की तैयारी रूस की तरफ से कर ली गई है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद डरावने भी हो सकते हैं, जहां तक यूक्रेन की राजधानी कीव, खारको, लोहांस, दोनत्स्क और कुछ कीव के इर्द गिर्द बड़े स्थानों और शहरों की बात की जाए तो।
इन परिस्थितियों में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वॉर हीरो के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने में फिलहाल सफल हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार यूक्रेन के निवासियों और नागरिकों में बढ़ रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि उस हीरोइक एक्शंस का क्या होगा जब पूरा यूक्रेन ही तबाह हो जाएगा और उस तबाही का मंजर देखने के लिए लोग अपने देश की खातिर लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन गैर बराबरी की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं मानवता कराह रही है और इस कराहते मानव समाज को बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया पर है। और दुनिया के तमाम वो देश, चाहे वो यूएन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने रूस की आन बान शान और उसके स्वाभिमान को लेकर के जिस हमले पर उतर आए हैं उसका अंजाम आने वाले समय में और भी घातक और खतरनाक हो सकता है। और जिस विश्व युद्ध की बात बराबर चर्चा में की जाती रही है, वो शायद परिस्थिति पैदा हो जाए कि कई देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएं और तब पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और वो त्रासदी, आर्थिक त्रासदी से लेकर के मानव त्रासदी और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी त्रासदी साबित हो जाएगी। फिलहाल अगले आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष का जहां तक संबंध है, लेकिन इस बीच भारत ने भी ऑपरेशन गंगा को बेहद महत्वपूर्ण दौर में पहुंचाने का फैसला कर लिया है और भारतीय वायुसेना के विमान C-17 भी अब उड़ान भरेंगे और पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और कुछ अन्य क्षेत्रों में रह रहे मजबूर और परेशान भारतीय नागरिकों और छात्रों को स्वदेश वापस लाएंगे। इस कर्तव्य भावना के साथ अब देश पूरी तरह से उन नागरिकों के साथ है जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमारा ये भरोसा और विश्वास है कि हम इस मुश्किल घड़ी में भी हर एक नागरिक को सकुशल स्वदेश लाएंगे और इस चुनौती का सामना करते हुए हम पूरी दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।